श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आज आप लोगों ने श्री शिव मंत्र शिव महापुराण कथा सुनी होगी तो आज श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया था, जिस उपाय को करने से आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह बात खुद श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बोली है। तो कौन सा वो उपाय है, क्या उसमें करना है, हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने भी इस उपाय को कथा के बीच में सुना था तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करना है, ठीक है। क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन कितना बड़ा दिन होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी हर वीडियो में इसका वर्णन करता आ रहा हूं। 1 मार्च 2022 को इतना बड़ा दिन है, शिव जी का बहुत ही प्रिय दिन है। इस दिन की गई छोटी से छोटी भक्ति का भी जो हमें फल है वो बड़े से बड़ा होकर मिलता है। शिव जी का आशीर्वाद हमें बहुत आसानी से महाशिवरात्रि के दिन मिलता है। तो अगर आप महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय करते हैं तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देंगे। क्योंकि आप इस उपाय को, इस काम को किस दिन कर रहे हैं, महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिन को, ठीक है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको कंकर या शंकर के सामने बैठ जाना है, ठीक है। या शिव मंदिर में चले जाओ या कुबेरेश्वर धाम में चले जाओ, किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पर आपको शिवलिंग मिल जाए, शिव जी मिल जाए, ठीक है, पार्वती जी मिल जाए, उनका पूरा परिवार मिल जाए, ठीक है। शिवलिंग अगर मिल गया तो बस समझ लो आपको सब मिल गया, ठीक है। किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पर शिव जी रहते हों, शिवलिंग हो, शिव जी का मंदिर हो, या आप लोग कुबेरेश्वर धाम चले जाओ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको शिव जी के किसी ऐसे स्थान पर चले जाना है जहाँ पर शिव जी विराजित हों। उस जगह पर जाकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, जो कि शिव जी का बहुत ही सबसे प्रिय मंत्र है, इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है शिव जी के सामने बैठकर। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर कर लो, पर सामने शिव जी होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि कंकर या शंकर के सामने बैठ जाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 108 बार कर लो। कितनी बार, 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। कैसे करना है, आहिस्ता से, अच्छे से, आराम से, जल्दी जल्दी में नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे नहीं, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे सर्वस्व से, आराम आराम से 108 बार नमस्तुभ्यम हो भी जाता है, 108 बार या 109 बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अपने भाव से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। एक कोने में बैठकर तुभ्यम का जाप करें और जाप शिव जी को निहारें, शिवलिंग को निहारें और शिव जी से अपने मन की बात कहें। जो भी आपको समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है वो शिव जी से कहें, मन ही मन कहें, ऐसे बोलना नहीं है, मन ही मन अपनी जो भी समस्या है वो शिव जी के सामने प्रकट करें, अपनी मनोकामना शिव जी के सामने प्रकट करें, वो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। अब दोस्तों, इन शिव जी के मंत्र का आपको 108 बार जाप जरूरी नहीं है कि महाशिवरात्रि के दिन ही करना है, कोई सा भी दिन देख लो जहाँ पर आपको टाइम मिल जाए, आपको समय मिल जाए शिव जी से अपनी मन की बात कहने का, शिवलिंग के सामने बैठने का, उस समय आप लोग चले जाओ, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, फिर उसके बाद जो है थोड़ा बैठो आराम से। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, शिव जी की शिवलिंग को निहारना है, शिव जी को निहारना और अपनी मन की बात कर देना है, अपनी मनचाही मनोकामना बोल देना है। तो दोस्तों, आप इस काम को किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपका मन हो, पर महाशिवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व है। 1 मार्च 2022 को अगर आप इस काम को करते हैं, उपाय करते हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत ही जल्द फल देखने को मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।